नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रिएक्शन रिएक्शन बाबा बाबा में। मेरा नाम है राम एंड दिस साइड मनी भाई। मनी। तो गाइज, आज हम एक ऐसी धार्मिक वीडियो पे रिएक्शन बनाने वाले हैं जिसके लिए भाई गुरप्रीत सिंह, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करके रखा हुआ है और इसके लिए बहुत सारे और भी रिक्वेस्ट थे। तो गुरप्रीत भाई का नाम इसलिए याद रहा है क्योंकि इन्होंने भी रिसेंटली कमेंट किया था, तो इसलिए। तो गाइज, आपको कैसा लगे ये वीडियो तो प्लीज आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं बताएं गाइज। आप। और आप चाहते हैं आपकी पसंद के ऐसे और रिएक्शन वीडियोज आए या और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स पर रिएक्शन वीडियोज बने तो आप उनके लिए कॉमेंट कर सकते हैं, हमको सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट में गाइज। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम आप। पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। जरूर लाइक। चैनल पर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल गाइज। तो वीडियो की बात कर लेते हैं, चमकौर साहिब दी जंग, उस पर रिएक्शन वीडियो आज हम बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था, वो दूसरा वर्जन था। तो अभी भाई ने बोला है कि एक अलग तरीके से बनाना है और एक दो हमने अच्छी सी वीडियो सेलेक्ट की है, तो उसी पे हमको बनाना है आज रिएक्शन वीडियो। देखते हैं क्या सब है इसके अंदर। तो गाइज, आप लोग भी प्लीज इंजॉय करें वीडियो को, अच्छी लगे क्या सब है। सिख हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफी मजा आता है यार ये हिस्ट्री वगैरह की मुझे वीडियोस बहुत मजा बनाने में। आता है आप यार। लोगों की बदौलत ही हम ये वीडियो बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स प्ले गाइज। लेट्स प्ले। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारा नु। सो पंजाब मेड भी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अज असी गल करन जा रहे हैं चार साहबजादियां बारे। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। ते इन्हां दा जन्म आनंदपुर साहिब विखे होया सी। ते इस दौर विच औरंगजेब दा दबदबा बहुत बनया होया सी। ते ओहो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं इस्लाम धर्म विच शामिल करना चाहुंदा सी तां हाँ जो उस दी शक्ति होर वध सके। पर इस तों पहलां आपां गल करदे आं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता गुरु तेग तेग बहादुर बहादुर जी जी बारे, बिल्कुल क्योंकि उन्हां दे समें भी औरंगजेब हिंदुआं नूं धक्केशाही नाल इस्लाम धर्म कबूल कराउंदा सी। ते गुरु तेग बहादुर जी ने यह कहा कि जेकर तू सानू मुसलमान बना लवें, सानू मुसलमान धर्म विच कन्वर्ट कर लवें, तां सारे देश दे हिंदू मुसलमान धर्म अपना लैणगे, तैनू कहण दी जरूरत नहीं होवेगी। पर जेकर तू सानू अपने धर्म विच तब्दील ना कर सकिया तां तैनू हिंदुस्तान दी पूरी धरती ते कतलेआम बंद करने पैणगे। ते ये डील तो हुई ते श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं तसीहे भी दिते गए। उन्हां दे नाल तीन सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी नूं भी शहीद किया गया। दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विच गुरु जी ने सीस लवा लिया पर उन्हां तों तब्दील नहीं हो सके क्योंकि वह किसी नाल वादा करके गए सी, जवान करके गए सी। सो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र उस वेले 9 साल की सी जदों उन्हां दे पिता जी की शहादत दिल्ली दे विच हुई सी, वह भी हिंदू धर्म नूं बचाउण लई। ते इस तों बाद फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथ विच तलवार फड़ी। ते तलवार हाथ विच उदों फड़ी जांदी है जदों सरकार कोई आवाज ना सुने, धार्मिक लोक लोकां दा शोषण करदे रहन, ते कोई अपील ना कोई दलील सुनी जावे। ते उस वक्त फिर उन्होंने हथियार चुकिया सी। ते इस चीज़ नूं फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी दे विच अपनाया। ते पहला तां गल्लां बातां नाल समझाया पर बाद विच अलाने जंग हुई ते जिस तों बाद उन्होंने 14 लड़ाइयां अपने जीवन दे विच लड़ियां ते उन्हां 14 लड़ाइयां दे विच ही उन्होंने जित हासिल कीती। ते जदों कोई भी गरीब कोई जरूरतमंद उन्हां दे दरबार विच आउंदा सी उस नूं सहारा दित्ता जांदा सी। पर इह चीज़ औरंगजेब, वजीर खां ते पहाड़ी राजिआं नूं पसंद नहीं सी। उन्हां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी चंगा नहीं लगदा सी क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी कहिंदे सी कि असीं सारे इक परमात्मा दी औलाद ने। गुरु कहिंदे ने कि असीं सारे इकट्ठे रहांगे ते असीं जात पात धर्म भेदभाव विच नहीं जीवांगे। ते जिस तों बाद उन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खत्म करन दा मन बना लिया ते जिस तों बाद फिर उन्होंने आनंदपुर साहिब नूं जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी रहिंदे सी उत्थे 5 मई सन 1704 नूं 10 लख फौजां ने घेरा पा के यह ऐलान कर दिता कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं किले विच ही खत्म करांगे या फिर जीउंदा फड़ के औरंगजेब दे सामने पेश करांगे। ते उन्हां दे बहुत सारा जोर लाउण तों बाद भी कुछ ना हो सकिया ते उह 6 महीने घेरा पा के ही बैठे रहे। ते 7 महीने बाद जदों मौजूदा सरकार दी एक भी पेश ना चली तां उन्हां ने कसमां खादियां ते जिस तों बाद औरंगजेब दे हत्थां तों लिखी एक कुरान जो कि अज भी लखनऊ दे म्यूजियम विच रखी है ते उस कुरान दे टाइटल पेज ते एक लफ्ज लिखिया सी फारसी दे विच। ते उस कुरान नूं अपने काजी दे हत्थ विच दित्ता ते कहा कि जाके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे इस कुरान दे उत्ते हत्थ रख के कसम खाई कि तुसी आनंदपुर साहिब दा एक किला छड के चले जाओ ते तुसी हिंदुस्तान दे किसे भी हिस्से विच जाके बसियो, असी थानू कुछ भी नहीं कहांगे।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 21-22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1704 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ 6000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰਤ ਕੇ ਕਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਕ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਤੇ ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1704 ਨੂੰ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇਪਾਲ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
मेरा तीर वजे क्योंकि मैं बादशाह कोलों इनाम लै सकां। ए दस के कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्र दा कतल मैं कीता। ते दस्या जांदा है कि जदों अजीत सिंह जी जंग दे मैदान विच जमीन ते डिगे सी तां उन्हां दे शरीर ते 300 तों वध फट्टां दे वार सी ते जंग दे मैदान विच लड़दे लड़दे उन्हां दी तलवार भी खुंडी हो चुकी सी पर फिर भी दुश्मन उन्हां दे कोई नेड़े नहीं आ रहा सी। पर लास्ट विच किसी ने उन्हां दी पिठ ते वार कीता ते वर्षा आर पार हो गया। ते इस तरह फिर बाबा अजीत सिंह जी युद्ध दे विच लड़े ते शहीद हो गए। ते उन्हां नूं लड़दिआं देख के उन्हां दे छोटे भरा जुझार सिंह ने जंग दे विच जाण लई अपने पिता जी तों इजाजत लई ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी छोटी कृपान बाबा जुझार सिंह जी दे हाथ विच दित्ती। ते जद कि उन्हां नूं इन्नी शस्त्र विद्या की सिक्ख्या भी नहीं सी ते उह उस वक्त 16 साल दे सी। ते इस तरह चमकौर की गड़ी दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दोनों बड़े बच्चे शहीद हो गए। ते उस वक्त प्यो ते की बीत रहा होगा। ते कवि कहिंदा कि मैं दुनिया विच कदे देखे नहीं कि प्यो पुत्र दी मौत नूं देख रहा है। ते उसने कहा कि भगवान राम बनवास ते गए सी, पत्नी नाल सी, भरा नाल सी, कोई फिक्र वाली गल नहीं, पर दशरथ पिता वह विछोड़े दे सदमे नूं बर्दाश्त नहीं कर सके ते मौत हो गई। कुरुक्षेत्र दे मैदान विच अभिमन्यु दी मौत हो गई। अर्जुन हथियार सट दिंदा ते उह कहिंदे ने कि नहीं, हुण मैं नहीं लड़ सकदा, मेरे सामने मेरे पुत्र दी मौत हो गई। हजरत इब्राहिम नूं अपने पुत्र दी बलि देण लई कहा जांदा है ते उह अपनियां अखां ते पट्टी बन लैंदा ते उह कहिंदा कि मैं अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्र दी मौत नहीं देख सकदा। ते इस तों साबित हुंदा है कि दुनिया दा कोई पैगंबर अपने पुत्र दी मौत नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। पर कलंगीधर पातशाह की होणगे, सामने अजीत सिंह जी जमीन ते डिगदे ने ते गुरु जी कहिंदे ने कि मैं तेरे तों कुर्बान जाना, शाबाश, खूब लड़े हो। ते तुहानूं दस दिए कि लखनऊ दे म्यूजियम विच अज वी फारसी दे इक लिखारी अबू बकर दी इक लिखत इस्लाम दी दुनिया दा इक ग्रंथ है, उस दे चैप्टर नंबर 3 ते उसने इक गल लिखी है। ते उसने लिखिया कि औरंगजेब ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं झुकण दे लई इस्लाम दे विच कन्वर्ट करन दे लई बहुत जोर लगाया, इत्थों तक कि अपने काजी अबुल हक तों इह वी कहा दित्ता सी कि जाओ गुरु गोबिंद सिंह जी नूं जाके कह दो कि मैं ओहदे लई हिंदुस्तान दा तख्त वी छड्ड देंगा, मैं अपनी जगह ते उस नूं बिठा देंगा ते बस ओह इस्लाम दे विच आ जावे। ते गुरु जी ने सब तख्तां ताजां नूं ठोकर मार दित्ती सी ते इंसानियत नूं ही अपनाया कि हर किसी नूं अपने धर्म विच जीण दा हक होना चाहीदा। ते हुण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी मैदाने जंग लई तैयार हो रहे सी ते दया सिंह आके कहिंदे ने कि तुसीं जंग विच ना जाओ। ते इस बारे गल आपां अगली वीडियो विच करांगे ते उस विच आपां छोटे साहिबजादियां बारे भी गल करांगे। सो लास्ट विच इही कहिंदे आ कि इह वीडियो नूं हर एक जगह ते शेयर जरूर कर दिओ तां जो छोटे बच्चे तों लैके वड्डे इंसान तक। तो गाइज आप भी प्लीज जरूर शेयर करें और छोटे से लेके बड़े बच्चे तक यार सबके साथ शेयर करें। काफी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो थी भाई, बहुत ज्यादा यार। हम तो सीरियसली जब जब ऐसी वीडियोस देखते हैं ना एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार। और यार थैंक यू यार उन लोगों का जो हमको ऐसी वीडियो सजेस्ट करते हैं, हमको बताते हैं। इसमें आप लोगों को पता ही है हम हिंदू हैं, मेरा तो खुद ही नाम राम है और भाई का नाम मनी है, तो आप लोगों को तो पता ही है। इसमें बोला भी गया था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना ये सब इतना सब किया था। भाई ये तो शुरू से ही सिख और हिंदू तो एक तरीके से भाई हमेशा ही रहे यार, तो सभी होते हैं भाई, तो सभी हैं यार, अपने ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम तो ये कोई भी नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठे यार, हम तो आजकल जो मॉडर्न लोग हैं हम भी मॉडर्न हैं। आप लोग हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस है आपके पास स्मार्टफोन है तभी आप लोग हमको देख पा रहे हैं, तो आप भी बहुत ज्यादा मॉडर्न है। तो गाइज ये सब चीजें आजकल नहीं रही हैं, आजकल हम सब आपस में भाई हैं यार, अपन जॉब करते हैं, कहीं पे रह रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, किसी से हम खाना बाहर खाना खाते हैं, तो क्या हमको क्या किसी के धर्म से जाति से क्या मतलब है। हमको खाने को मिल रहा है, हम उनको पैसे पे कर रहे हैं, तो भाई सबका खून लाल ही है, सबको पता है, नाना पाटेकर ने भी बोला है भाई। तो ये सब चीज है, सब एक ही है यार, हम तो यही बोलते हैं अपनी हर वीडियो के अंदर, आप लोग प्यार से रहिए ये सब ज्यादा से ज्यादा। और इन्होंने जो इतना बलिदान दिया है गाइज, इनके बलिदान को कभी आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, कभी ना भूलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें यार दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ, क्योंकि उनको भी जो लोग भूल जाते हैं कभी कभी ऐसी चीजें, तो उनको याद दिलाने के लिए रहना चाहिए कि हम किस स्टेज से निकल के आज इस स्टेज पर आए। तो काफी मोटिवेशनल वीडियो थी भाई,
और भाई का चैनल है पंजाब मेल, उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसा लगा, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट करके बताएं यार गाइस, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और प्लीज हमको सजेस्ट करें और अच्छे वीडियोस के लिए वीडियो यार। और सॉन्ग्स भी आप चाहते हैं रिएक्शन वीडियो सॉन्ग्स पे भी हो तो आप उसके लिए भी कॉमेंट कर सकते हैं गाइस, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें, मिलते हैं हम नेक्स्ट और किसी अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस आज्ञा दीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे सेफ।